नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 3 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास में 3 इश्यूज रहेंगे, जिनमें 2 इश्यूज तो आज के हैं, एक पहले का है। आज के 2 इश्यूज उनमें फर्स्ट देखेंगे INS विक्रांत की लॉन्चिंग से संबंधित है कि क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है जानेंगे। दूसरा हम जानेंगे कि जो स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ, इनको अगर ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स के साथ में कनेक्ट कर दिया जाए तो कितना बेनिफिट मिल सकता है वो जानेंगे। और लास्ट में एक आर्टिकल हमारा जो परसों का बाकी है 1 सितंबर का, मॉन्यूमेंट से रिलेटेड, मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड, वो जानेंगे। तो 3 आर्टिकल्स हैं, तीनों को देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है लॉर्ड ऑफ द सी। आर्टिकल को लिखा है अभिजीत सिंह जी ने। इनका ये कहना है, देखो INS विक्रांत को एक लैंडमार्क अचीवमेंट है, इंडियन नेवी को कमीशन कर दिया गया है। डेवलप किसने किया इसको? ये नेवी वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा डेवलप्ड है। और कंस्ट्रक्शन किसने किया इसका? ये है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। ओके, INS विक्रांत जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा और मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंडिजीनस वॉरशिप है। ओके, इसमें आप देखो कि जब इसको उतारा गया तो लगभग 43,000 टनेज का डिस्प्लेसमेंट किया। दैट मीन्स जो पानी हटाया इसने लगभग 43,000 टनेज का, बहुत बड़ा वॉल्यूम है ये। इसके अलावा देखा जाए तो वॉयज एक बार में कितनी ड्यूरेशन की, कितनी दूरी की हो सकती है? 7500 नॉटिकल माइल्स की। स्पीड 18 नॉट्स नॉर्मल, और वैसे मोर देन अराउंड 24 के समथिंग ऐसे नॉट्स में स्पीड मैक्सिमम जा सकती है। साथ में यहाँ पर MiG-29 के एयरक्राफ्ट, COMO-31 वार्निंग सिस्टम, ठीक है, अर्ली वार्निंग सेटअप, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, ये सब यहाँ पर डिप्लॉय किए जाने पॉसिबल हो पाएंगे। इसके अलावा सर्विलियंस सिस्टम भी अच्छा है। तो इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि फायर कंट्रोल रडार्स भी है इसमें। कुल मिलाकर के एक बहुत ही बड़ा पैकेज तैयार किया है। अब देखो, एक डिबेट चल पड़ी है कि INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट करियर्स की क्या ज़रूरत थी या नहीं। तो जो लोग ये कहते हैं कि एयरक्राफ्ट करियर की ज़रूरत ही नहीं थी आज की परिस्थितियों को देखते हुए, एक बार पहले तो उनके आर्ग्यूमेंट्स हम समझते हैं। देखो, अगर हम बात करें तो एयरक्राफ्ट करियर के लिए जो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है वो ये कि हमारे पास में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में आइलैंड्स के ग्रुप्स अवेलेबल हैं। एक तरफ बे ऑफ बंगाल में देखो तो आपके पास अंडमान निकोबार है, अरेबियन सी में देखो तो लक्षद्वीप है। तो आपको अलग से ही ये शिप बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपको एयर स्ट्रिप की तो ज़रूरत थी, आराम से लॉन्च कर सकते थे, आराम से लैंड करवा सकते थे, टेक ऑफ करवा सकते थे, सारा आराम से हो सकता था। तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, हमारे पास में आइलैंड टेरिटरी थी, इसको यूज़ किया जा सकता था। क्या ज़रूरत थी इससे? फ्लैट टॉप वॉरशिप को बनाने की। फ्लैट टॉप का मतलब आपको बताया कि पूरा का पूरा एकदम फ्लैट है इसका टॉप सरफेस, ठीक है। कल जैसे हमने एक्सप्लेन पेज पे डिस्कस किया था और आपने देख भी लिया होगा, टॉप एकदम फ्लैट है। इसके अलावा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है ये शिप। कैसे? हाइपरसोनिक वेपन से अटैक अगर इस पर किया जाए तो इजी है। दूसरा, आजकल डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, आप बच भी नहीं सकते उन टेक्नोलॉजीज से, क्योंकि फ्लैट टॉप है, इतना टॉप सरफेस एकदम एक्सपोज रहता है जिससे कि कोई भी अटैक करे तो वहाँ पर उसको डैमेज पहुँच सकता है। साथ में अंडर वाटर अटैक अगर कोई कंडक्ट करे तो वहाँ पर डिफेंसलेस है ये शिप जो है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक एयर पावर या फिर बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे मान लो कोई दूसरे एनिमी कंट्री के जो फाइटर जेट्स हैं उनसे कुछ अटैक किया जाए तो एक्सपोज रहता है, और अंडर वाटर अगर अटैक किया जाए तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट के सिनेरियो में ये जो वॉरशिप है जिसकी हम बात कर रहे हैं INS विक्रांत, जो कि एयरक्राफ्ट करियर के तौर पे लॉन्च किया गया है, ये बोला इतना ज़्यादा यूटिलिटी वाला नहीं रहेगा। अब राइटर जो है फिर बोल रहे हैं कि जो स्केप्टिक्स हैं, जो डाउट करने वाले लोग हैं, उन्होंने एक पॉइंट ये भी बनाया है कि वॉरशिप जो है उनको देखा जाए तो नॉर्मली वॉर टाइम पे सबसे पहले अटैक किया जाता है, सबसे पहले इन्हीं को ख़त्म किया जाता है। इसके अलावा आप देखो कि कितने रुपए लगे हैं, 20,000 करोड़ रुपए के लगभग पैसा खर्च हुआ है इसमें। ओके, तो वो जो पैसा हमने खर्च किया वो पैसा फिर सबसे पहले जब लड़ाई होगी तो सबसे पहले उसी का नुकसान होगा। और दूसरा, ससेप्टिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहेगी, क्यों? फ्लैट टॉप है, अटैक सीधा उसी पे किया जाएगा, तो ऐसे में ये बहुत सारी कमियाँ निकाली जा रही है।
इस तरीके के शिप्स के लिए आगे क्या बोला जा रहा है कि देखा जाए कॉम्बैक्ट हो या डिस्ट्रक्शन हो, दोनों तरफ से हमें कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ेगा इस तरीके के शिप्स को अगर हमने लॉन्च कर दिया। ये डाउट करने वाले एक्सपर्ट्स हैं, उनके पॉइंट्स हम देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो चाहे क्रूज मिसाइल हो चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, वो भी सीधा इन पे हिट कर सकती है, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो कुल मिलाकर के इतने बड़े शिप को बहुत स्पीड से मैनेज करना, कोई हम पे अटैक करे तो हम उसको प्रोटेक्ट करें, वो चीज़ें बहुत मुश्किलें हो जाती है। इसकी बजाय, इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च करने की बजाय, हमें हमारी जो आइलैंड टेरिटरीज हैं वहाँ पर हमें एयर स्ट्रिप्स और डेवलप करने की ज़रूरत थी, वहाँ पर हम और ज़्यादा रॉबस्टनेस तैयार करते तो वो अच्छा रहता। इसके अलावा जो मेनलैंड है इंडिया की, वहाँ पर भी इस तरीके से हम फैसिलिटी डेवलप कर सकते थे, बजाय कि इतना बड़ा हम एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप करते। अब राइटर ये बोल रहे हैं कि जी इसके पीछे जो रैशनल है वो थोड़ा हमें समझना होगा। अब हम बात करते हैं कि क्यों INS विक्रांत को लॉन्च किया गया। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो स्ट्रिप्स हम आइलैंड्स पे या मेनलैंड पे क्रिएट कर सकते हैं, जो हम प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं एयरक्राफ्ट करियर की बजाय, तो बोला वो फिर हम दूर दूर तक जो लिटोरल स्पेस है, दैट मीन्स जहाँ जहाँ पर भी इंडियन ओशियन है वहाँ तक या दूसरे ओशियंस तक हमें हमारी इम्पैक्ट शो करनी हो, तो वो चीज़ें क्या उन स्ट्रिप्स को ले जा सकते हैं वहाँ पर? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट करियर जो है वो कहीं तक भी दूर दूर तक अपनी वॉयस पे, अपनी एक कहते ना कि अपनी पूरी जत्थे को लेकर के दूर दूर तक जा सकता है, तो वो जो इफेक्टिवनेस है ना वो हमें नहीं मिलेगी। एक कंटिन्यूअस मैनर में, विजिबल मैनर में, जो हम एनिमी की आंखों में ये शो करना चाहे कि भाई हम भी कम नहीं है, तो वो चीज़ें हम केवल इस एयरक्राफ्ट करियर का यूज़ करके ही कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। जैसे ही चाइना US के बीच में टेंशन्स क्रिएट होती हैं, तो चाइनीज वॉर के ये जो एयरक्राफ्ट करियर है, ये तो देखो ताइवान के चारों तरफ चक्कर काटने लग जाते हैं, और चाइना का, USA का जो एयरक्राफ्ट करियर है वो चाइना की तरफ मूव करते हुए दिखा देते हैं कि हाँ जी गुआम से आ गया इधर। तो वो जो एक मैसेज जाता है ना, वो मैसेज एयरक्राफ्ट करियर ही दे सकता है, कोई और तरीके का आपका इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकता। इसके अलावा देखा जाए, चाहे डिसएडवांटेज कितने भी हो, पर एक जो साइकोलॉजिकल बैलेंस जो क्रिएट किया जाता है ना, लिटोरल मतलब हो गया कि हमारे आसपास में जो ओशंस हैं, उन ओशंस में जो भी कंट्रीज शेयर कर रहे हैं अपनी कोस्टल लाइन को, उनमें आज के टाइम पर ये मैसेज जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए नेवी का ये बहुत ही ज़्यादा इंडिस्पेंसिबल एसेट है, इसको आप बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एयरक्राफ्ट करियर की बात करें तो इनका लोकेशन ये एक इम्पॉर्टेंट काम होता है कि कहाँ पर लोकेटेड है भाई, ठीक है। आप कहीं से भी अपनी, मान लो एनिमी के अगेंस्ट में अगर आपको अटैक करना है, तो आप कहीं से भी अपनी लॉन्च कर सकते हो अटैक को, ठीक है। आज के टाइम पे देखा जाए तो तीन तरीके के एसेट्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है नेवीज के द्वारा कन्वेंशनली, ठीक है, परंपरागत तौर पे। पहला तो होता है हार्ड पावर एसेट। सीधी सी बात है, आपके पास में डिस्ट्रॉयर्स होने चाहिए, फ्रीगेट्स होने चाहिए, मिसाइल बोट्स होने चाहिए। ये वो शिप्स होते हैं जहाँ से आप एक तरीके से ऑफेंसिव अटैक जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो वो तो हो गया हार्ड पावर एसेट। दूसरा, नेवी के पास में ऑफेंसिव, अगर आपके पास में है ऑफेंसिव भी, एनिमी को अगर ख़त्म करना है तो ऑफेंसिव खुद से चला करके, या हम पे एनिमी अटैक करे तो हम डिफेंसिव ऑपरेशन कंडक्ट कर सके। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में हार्ड पावर का होना ज़रूरी है, दूसरी हमारी नेवी के पास में। दूसरा, सॉफ्ट पावर, कि कल को ना मान लो अटैक कोई करे तो, और लड़ाई अगर हो तो उस केस में हमारे भी तो कुछ ना कुछ जो नेवल जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उनको डैमेज पहुंचेगा। तो ऐसे में हॉस्पिटल शिप भी फैसिलिटी होनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए भी हमें भेजना पड़ता है कई बार शिप्स को। इसके अलावा डिजास्टर रिलीफ के तौर पे भी हमें भेजना पड़ता है। तो वहाँ पर ये जो वॉरशिप है जिसको हम बोल रहे हैं एयरक्राफ्ट करियर, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। सर्वे करना है मान लो दूर दूर जा कर के, तो इस तरीके से सॉफ्ट पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है एयरक्राफ्ट करियर का। अब आप केवल सॉफ्ट पावर के ऊपर फोकस करो तो पीस टाइम डिप्लोमेसी में क्या हम इन चीज़ों के लिए हमारी तरफ से असिस्टेंस नहीं भेजते? भेजते हैं ना, तो फिर क्यों नहीं ज़रूरत है? फिर फाइनली पॉइंट आ जाता है पावर प्रोजेक्शन। सीधी सी बात है, पीस टाइम हो या वॉर टाइम हो, हर टाइम पर हमें हमारी तरफ से एक मैसेज डिलीवर जरूर करना होता है कि जी हम किसी से कम नहीं है।
हमारे देश की जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ है वो हम बहुत हाई लेवल तक ले जा रहे हैं, और साथ में पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ या चाइना जो जिस तरीके से अपनी डोमिनेंस बना रहा है इंडियन ओशियन में, पैसिफिक ओशन में, तो वहाँ पर अगर हम हमारी रेलेवेंस नहीं बनाएंगे ना तो लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे भाई। सीधी सी बात है, बहबीन प्रीत कहाँ होती है भैया, तो थोड़ा सा तो दिमाग में हमें लेकर के चलना ही पड़ेगा ना। और हम किसी पे अटैक करने के लिए थोड़े ना तैयार कर रहे हैं, ये तो हमारा खुद का ज़रूरत है कि कल को ना हम पे कोई अटैक करे तो हम जवाब दे सकें। तो ये सारे तीन पॉइंट्स है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ये आपने एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो तैयार किया है, और यही हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो ऐसे में एयरक्राफ्ट करियर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज अगर हम इंडियन एयरक्राफ्ट करियर्स की बात करें तो जितनी वर्सेटिलिटी INS विक्रांत में है उतनी ज़्यादा विविधता वर्सेटिलिटी जो थी वो अभी तक के किसी भी एयरक्राफ्ट करियर में नहीं थी, जिसमें हम पावर प्रोजेक्शन, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी और प्रेजेंस ऑपरेशन, इन तीनों चीज़ों को हम कंसिडर करके चल सकें कि हाँ जी इंडिया भी कोई एक नेवल पावर है। अब जैसे ही INS विक्रांत की एंट्री हुई है ना, तो आप मान के चलो इंडिया पहली बार नेवल पावर के बेसिस पे इंडो पैसिफिक रीजन में एक पावर बैलेंस का तौर, मतलब बैलेंस ऑफ पावर या पावर बैलेंस को सेटल करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमें ये सपोर्ट देती है कि हाँ वाकई में इस तरीके के एयरक्राफ्ट करियर्स की हमें ज़रूरत होती है। और वैसे भी आपको पता है कि जो प्रैक्टिसेस, जो एक्सरसाइज चाइना कर रहा है उनको देखते हुए हमें तैयारी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, फिर अगर देखी जाए तो आज के टाइम पे जो भी कंट्रीज़ हमारे साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं वहाँ पर चाइना अपनी प्रेजेंस लगातार बढ़ा ही रहा है। हम बनतोता पोर्ट और ये डेवलप किए ही हैं चाइना ने, तो उन चीज़ों को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा इंडियन नेवी जो है वो अब पावर प्रोजेक्शन की बात कर लो या दूसरे देशों पर अपनी इम्पैक्ट जो डालनी है वो भी अब कर पाएगी। सीधी सी बात है, जितने टूल्स जितने इक्विपमेंट्स से आप तैयारी रखोगे उतना ही ज़्यादा आपको देख करके आपका दुश्मन एनालिसिस करेगा कि हाँ जी अटैक करना है कि नहीं करना है, कि नहीं। इसके अलावा देखा जाए तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी है वो इंडियन ओशियन में भी राइज हो रही है, तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एयरक्राफ्ट करियर। आप खुद देखते हो ना, जब कभी भी नेवी की जब इमेज आती है, नेवी के बारे में जब कोई वीडियो आप देखते हो तो वहाँ पर क्या दिखाया जाता है, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जाता है, राइट। तो वहाँ पर एक बड़ा सा एयरक्राफ्ट करियर, वहाँ से फाइटर जेट्स हैं वो टेक ऑफ कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, वो जो सिनेरियो क्रिएट होता है ना, अब अमेरिका को क्या ज़रूरत है फिर अगर इतना ही था तो, ठीक है। पर वही चीज़ है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें करनी ही होती हैं। अब ऐसे में दो एयरक्राफ्ट करियर इंडिया के पास में अवेलेबल हो गए INS विक्रांत को लॉन्च होने के बाद में, अब तीसरे एयरक्राफ्ट करियर की भी जल्दी ही मांग की जा रही है कि जल्दी से जल्दी थर्ड एयरक्राफ्ट करियर भी हमारे पास में होना चाहिए। और हमें ये चीज़ जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, दैट मीन्स चाइना की जो नेवी है ना, उससे समझना होगा कि उसने जिस तरीके से अभी तीन अपने खुद के एयरक्राफ्ट करियर लॉन्च किए हैं, जैसे कि लियोनिंग, एक का नाम है शेंडोंग, एक का नाम है फ्यूजियन। तो ऐसे में इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अपनी पकड़ बना रहा है, और चाइना की जो टारगेट है चाइना की नेवी का, कब, क्या नाम है इसका, फार सी स्ट्रेटजी है, इसके अंडर में 2049 तक आते आते चाइना के पास में 6 फ्लैट टॉप शिप्स होंगे। फ्लैट टॉप शिप्स का मतलब अगेन ये विक्रांत जैसी अपीयरेंस वाले शिप्स होंगे, वॉरशिप्स होंगे, जहां पर जिनको एयरक्राफ्ट कैरियर बोला जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमें हमारी तैयारियां पूरी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो एडवर्सरीज हैं वो अगर इस तैयारी को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं तो हम इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। एक देखो, सोवियत इराक के एडमिरल रहे हुए हैं सर्गेई गोर्स्को, उन्होंने कहा था कि सी अपनी तरफ से द सी पावर ऑफ द स्टेट के बारे में कहा था उन्होंने कि आप मैरीटाइम पावर को जितना ज़्यादा अपना स्ट्रॉन्ग बना करके रखोगे वो उतना ही अच्छा है, और वो स्ट्रेंथ किस पे बेस्ड होनी चाहिए, जियोपॉलिटिकल लॉजिक्स पे, लॉन्ग टर्म स्टेट इंटरेस्ट पे। इसका मतलब हमारे आसपास के देशों के साथ में क्या हमारा रिलेशन चल रहा है। दूसरी चीज़ कि क्या हम चाहते हैं कि लंबे समय तक हमारी एक नेवल पावर स्ट्रॉन्ग रहे या वीक रहे। अगर हम इन दोनों चीज़ों को समझेंगे ना तो हमें बिल्कुल क्लियर आंसर मिल जाएगा
कि INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट करियर्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ भाई कैसे असेसमेंट में चले जाना चाहिए या वो जो भी काम हो, अगर आप अपनी डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो वो चीज़ें आपके इन दो क्वेश्चंस के थ्रू निकलनी चाहिए। पहली चीज़ जियोपॉलिटिकल इशू, दूसरा लॉन्ग टर्म स्टेट इंटरेस्ट क्या है, हमारे हम चाहते क्या है लंबे समय में, क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे आसपास के देशों को और या फिर उनको जो हमसे दुश्मनी लेकर के बैठे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें इनकी ज़रूरत होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है Why Engineers Need Humanities and Arts Study। देखो आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर मनीष पालीवाल और स्वाति पराशर ने। इनका ये कहना है दोनों राइटर्स का कि एकेडमिक स्ट्रक्चर अगर देखें वर्ल्ड वाइड तो आज के टाइम पे मार्केट वैल्यू के हिसाब से काम चलता है। हाँ जी, जॉब मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, कितना आप कंपैटिबल हो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखा जाए तो हायर एजुकेशन में तो प्राइवेटाइजेशन बहुत हद तक बढ़ चुका है, जहाँ पर डिग्री प्रोग्राम ऐसा होता है कि हाँ एजुकेशन दे दी, बच्चों को स्किल्ड लेबर फोर्स में एंट्री दिला दी और वो एम्प्लॉयबल बन गए। पर सवाल ये आता है कि जब हम आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की बात करें और दूसरी तरफ हम बात करें स्टेम की, दैट मींस साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ की या बिजनेस डिग्री की, तो दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ह्यूमैनिटीज़ के अंडर में जो ग्रेजुएशन करके आते हैं आर्ट्स से या ह्यूमैनिटीज से, उनके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी होती है। और इस चीज़ को पेंडेमिक ने और ज़्यादा एक्सपोज कर दिया जब कॉलेज इंस्टीट्यूशंस ये बंद हो गए और सारा काम ऑनलाइन आ गया, और वहाँ पर भी फिर स्टेम ने ही ज़्यादा सक्सेस गेन की। कुल मिलाकर के एक जो डोमिनेंस बनती चली जा रही है किसकी, साइंस एंड स्टेम की हम बात करें, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स की, तो बोलो वहाँ पर हमें अल्टीमेटली डील किससे करना है ये बताओ। आज आप कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखते हो वो किससे रिलेटेड है, वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। तो वहाँ पर अगर साइंस को या स्टेम को आप इंजीनियरिंग को या फिर इनको आप सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज से कनेक्ट करो तो आपको कुछ प्रोडक्टिव आउटकम मिलेगा। पर यहाँ पर इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि स्टेम और ह्यूमैनिटीज़ के बीच में जो एक लिंक होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, वो इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर कोई जाता है, मान लो स्टेम में कोई पढ़ाई करने के लिए जाता है स्टेम सेगमेंट में, तो काम क्या है जी, केवल किताबों में काम कर लिए, मशीनें बना ली वही, या मशीनें क्यों बनाई, किसके लिए बनाई आपने, साइंस का पर्पस क्या था, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाना, क्या ज़िंदगी से एक सेपरेट स्ट्रीम ले जाना थोड़े ना था एक ह्यूमन की लाइफ से। बस वही चीज़ यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं राइटर्स। एक रिपोर्ट, कुछ रिपोर्ट्स को यहाँ पर कोट किया जा रहा है राइटर्स के द्वारा। एक रिपोर्ट का नाम है ग्रैंड चैलेंज फॉर इंजीनियरिंग, ये रिपोर्ट तैयार की थी नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग इन USA। इसने भी बहुत सारे ऐसे ग्लोबल चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया जिसमें स्टेम को और ह्यूमैनिटीज़ को, आर्ट्स को इंटीग्रेशन की तरफ लाने की ज़रूरत है, नहीं तो वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसके अलावा अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंजीनियर्स, उन्होंने भी अपनी तरफ से 2030 तक का स्ट्रेटेजी विजन दिया। इसके अलावा नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इन्होंने भी अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दी है कि इंजीनियरिंग को और साथ में ह्यूमैनिटी को दोनों को साथ में लाना चाहिए, क्योंकि साइंस एंड टेक या स्टेम की अगर बात करें तो इनका काम होना चाहिए कि कैसे हम सोसाइटी में आने वाले चैलेंजेस को हैंडल कर सकते हैं। तो बोले ये तो कुछ रिपोर्ट्स को कोट किया है हमने, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो साफ साफ इस चीज़ को हाईलाइट करती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि स्टेम को हमें ह्यूमैनिटीज़ के साथ कनेक्ट करना होगा, क्योंकि नहीं तो ये दोनों सेपरेट सिलोज में ऑपरेट होंगे, सेपरेशन के चलते सोसाइटी की प्रॉब्लम्स का ही नहीं पता होगा तो कैसे हम स्टेम को यूज़ कर पाएंगे हमारी खुद की वेलफेयर के लिए, मानव की वेलफेयर के लिए। और फिर वो चीज़ स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल का कारण बन जाती है कि हमने पढ़ाई लिखाई तो सारी कर ली, अब सवाल ये है कि इसका यूज़ कहाँ है कि नहीं। आज आप देखो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में बात करें हम, तो जहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ का सेगमेंट USA जैसे कंट्रीज़ में 15-20% तक वेटेज रखता है, जितना पूरा कोर्स होता है ना उसमें 15-20% कंटेंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड पढ़ना होता है, जबकि आप IITs में देखो केवल 10% सेगमेंट आता है। इसके अलावा
आप NIT में देखो तो 3% आ जाता है, और स्टेट कॉलेजेस में बात करो तो वहां पर बेयरली कोई मेंशन मिल जाए तो मिल जाए, बाकी कोई सोशल साइंस के कोर्सेज को अटैच नहीं किया हुआ है। तो ये अपने आप में इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे अगर आप देखो तो राजस्थान लेवल पे या फिर आप स्टेट लेवल के जो भी सिलेबस उठा करके देख लो एक बार, आपको पता पड़ेगा कि ह्यूमैनिटीज के नाम से एक लैब डाल के रखते हैं, लेबोरेटरी। ठीक है, वहाँ पर थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बता दिया जाता है, थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में बता दिया जाता है, और थोड़ा इकोनॉमी की बेसिक्स, इकोनॉमिक्स भी नहीं, इकोनॉमी के बेसिक्स के बारे में, और थोड़ा बहुत यही अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में थोड़ी बहुत बता दी जाती है, इंडियन पॉलिटी के बारे में, और उसको भी लैब के तौर पर डाल दिया जिसमें हफ्ते में एक बार क्लास हो तो हो, बाकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, फाइल बनवा लेते हैं, काम खत्म। ये चीज़ मैंने खुद ने देखी है। तो कुल मिलाकर के बात क्या आ रही है कि ह्यूमैनिटीज़ को जब तक हम अटैच नहीं करेंगे स्टेम के साथ में, कहाँ पता पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, कैसे काम करना है कि नहीं। साथ में ये जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो होंगे, इसका बेनिफिट क्या होगा, एक तो ये सबसे बड़ी चीज़ आएगी, एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो पाएगी। जैसे कि कोई भी टेक्नोलॉजी, आप किसी भी फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हो या कोई नया काम आप करना चाह रहे हो, तो वो करने से पहले ये तो सोचोगे ना कि भाई इसका क्या बेनिफिट हो सकता है समाज को, है कि नहीं। दूसरा, कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, आप कैसे एक दूसरे से प्रॉपर मैनर में बातचीत करके डील कर सकते हो, टीम वर्क का बिहेवियर आपको समझ में आएगा। ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स आपके पास में रहेगी कि आज मैं कोई काम कर रहा हूँ ये मेरी ज़िंदगी में कब तक मेरी हेल्प कर सकता है। तो ये चीज़ें क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर अगर एजुकेशन में हम बात करें सेपरेशन है तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशंस को ज़रूरत है कि इंटेंशनली इस तरीके के इंटीग्रेटेड कोर्सेज को डेवलप किया जाए जहाँ पर ह्यूमैनिटी, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, मैथ्स, इनको इंटीग्रेटेड मैनर में आप प्रमोट कर सको। क्योंकि आप खुद देखो, आज आप एथिक्स के बारे में पढ़ते हो, आज आप ह्यूमन सोसाइटी में जो चैलेंजेस हैं उनकी बात करते हो, आज आप प्रॉब्लम्स को बहुत सारा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, जो भी आप ये वीडियोस देखते हो और जो भी UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर ये आइडियाज एक इंजीनियर को इंजीनियरिंग के टाइम पे मिल जाए तो वो ऑटोमेटिकली अपनी रिसर्च, अपने वर्क को उस तरफ टिल्ट कर देगा कि हाँ जी मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। स्टार्टअप्स में बेसिकली यही तो चीज़ प्रमोट की जाती है ना, कि भाई आपको कैसे एथिकल मैनर में एनवायरमेंटली सोचते हुए बढ़िया से बढ़िया आउटकम आपको निकालना है जो कि लोगों के फायदे का काम कर सके, और जितना लोगों के फायदे का काम करेगा उतना ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो मुनाफा भी कमा पाओगे आप। तो कुल मिलाकर के एक इंटीग्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, और वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज में जो पॉइंट है वो है ही। और एक चीज़ हमें ध्यान है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इसी तरीके के आइडियाज़ को प्रमोट करने की बात की गई है। जैसे कि आपने देख लिया होगा कि अभी आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स हैं वो अब ग्रेजुएशन में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके पीछे भी यही कहीं ना कहीं आइडिया है कि आपको इंटीग्रेटेड मैनर में काम करने की ज़रूरत है। अब देखो, USA जैसे कंट्रीज में 15-20% ह्यूमैनिटीज़ को जॉइंट कर रखा है, 80% इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, 20% ह्यूमैनिटीज़ पढ़ेंगे, तो वो जो चीज़ है वो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी ज़रूरी है। साथ में इंटीग्रेटेड अप्रोच जब होगी तो इससे एक वुमेन पार्टिसिपेशन और दूसरे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका पार्टिसिपेशन भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, तो ये भी एक करेक्टिव, सोशल करेक्टिव अप्रोच हो जाएगी कि समाज में अब जेंडर बेसिस पे एजुकेशन को डिवाइड करके चलते हैं, बेटी को ज़्यादा प्रेफरेंस है, बेटी को कम प्रेफरेंस है, जब हम पढ़ाई लिखाई करेंगे और ह्यूमैनिटीज़ कनेक्ट होकर के चलेगी तो वहाँ पर बिहेवियर भी ऑटोमेटिकली अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, 11th 12th की आप NCERT या जो भी आप बुक पढ़ते हो, उन चीज वो चीज़ें जो लर्न कर पाते हो, वो चीज़ें आपने 10th तक भी मोर और लेस छोटी मोटे तौर पे पढ़ी रहती है, पर आपको उतना अटेंशन देने की आदत नहीं होती, तो आप इग्नोर करके आते हो SSTs को, फिर बाद में उठाते हैं हम हमारे प्रिपरेशन के लिए, फिर 6th क्लास से शुरू करते हैं NCERTs को इनको पढ़ने की, तब पता पड़ता है कि यार ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हम तो इग्नोर करके आ गए। तो वो चीज़ें इंटीग्रेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सोचो आप तो UPSC की या फिर कोई भी स्टेट PSC की या गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप तो पढ़ लेते हो, तो आपको तो कम से कम मौका मिल गया दोबारा पढ़ने का, पर जो इंजीनियरिंग, साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी इनमें फील्ड में घुस गए, उनको कहाँ मौका मिलेगा ये चीज़ें पढ़ने का कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो
एजुकेशन के सिस्टम को चेंज करती है, क्यों हम आज एजुकेशन में इतने ज़्यादा एडवांस्ड हुए हैं, क्या गवर्नमेंट ने ऐसे कदम लिए, क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से आज हम यूएसए जैसे आइडेंटिटीज़ को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जी यूएस जिस तरीके से प्रोग्रेस करता है हम भी आगे बढ़ें, डेवलप्ड बने। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इन्हीं में छुपी हुई है। तो इंटीग्रेट होगी तो और अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगा एक इंडिविजुअल का, राइट। तो पब्लिक हेल्थ हो, सेफ्टी हो, वेलफेयर हो, इन सब के लिए सॉल्यूशन देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में निकलता है। पर अगर एक इंडिविजुअल को ह्यूमैनिटीज़ का भी नॉलेज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, स्टेम फील्ड में काम कर रहा है, तो उसको कल्चर, सोसाइटी का, एनवायरनमेंट का, इकोनॉमी के फैक्टर्स का, इनका सब का पता पड़ेगा और वो सोच समझ करके डिसीजन लेगा और काम भी ढंग से करेगा। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा? वेलफेयर का काम। तो एजुकेशन जो है वो हॉलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसमें ये इंटीग्रेशन राइटर्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अगला आर्टिकल है हमारा 1 सितंबर का जो आर्टिकल बचा हुआ था हमारा, है ना, वो हम कवर कर रहे हैं, हिस्ट्री बाइट्स द डस्ट। आर्टिकल को लिखा है नयन ज्योत लाहिड़ी जी के द्वारा। इनका ये कहना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अनंग ताल करके मेहरौली दिल्ली में, ठीक है, ताल का मतलब हो गया एक लेक है छोटी, ठीक है, उसको जो है वो अब मॉन्यूमेंट के तौर पर डेवलप किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके की बातचीत हाईलाइट ज़्यादा नहीं हुई, बस केवल एक छोटी सी रिपोर्ट थी 22 अगस्त को, वो बन के आ गई, ध्यान किसी ने दिया नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है कि अनंग ताल जो है उसको मॉन्यूमेंट के तौर पे नेशनल इंपॉर्टेंस के, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पे डिक्लेयर किया जाएगा और उसके प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाएगा। तो ऐसे में नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि जो अनंग ताल है ना, वो बेसिकली जिस तरीके से अनंग ताल को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने ऑर्डर्स दिए हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उस पर काम करेगा और उसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस दिया जाएगा। तो ये मान के चलो जिस तरीके से अनंग पाल सिंह तोमर को दिल्ली की गद्दी पे बिठाया गया था, उस तरीके से आज अनंग पाल के नाम पर जो ताल है, जो लेक है, उसको रिवाइवल दिया जाएगा। तो यूँ मानो कि उनको दोबारा से गद्दी पर बिठाया जा रहा है। तो राइटर जो है वो सीधा सा एक पॉइंट हाईलाइट करना चाह रही हैं कि भाई कितने ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, कितनी ऐसी हेरिटेज साइट्स हैं जिनको हम बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं। और ये चीज़ रिवील होती है हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के द्वारा। उस रिपोर्ट का नाम क्या है? प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, कैक्स परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन परफॉर्मेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिकिटीज़, जो कि पार्लियामेंट में कुछ हफ्तों पहले टेबल की गई थी और उसमें अनंग ताल को भी हाईलाइट किया गया था कि ये ऐसी लेक है जिसमें इतना ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो चुका है आसपास के एरिया में, आने वाले टाइम पर ये ख़त्म हो जाएगी। अब चलो ठीक है, गनीमत है कि सरकार ने कम से कम नज़र तो डाली इस पर। अब इसके रिवाइवल के लिए काम करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अनंग ताल का ये हाल था कि वहाँ पर लोगों के जो एक्सक्रीटाज हैं, सीवेज लाइन्स हैं, वो आकर के अपना कचरा डाल रही थी, ठीक है। और अनंग पाल तोमर जो थे, हम जो तोमर डायनेस्टी थी, चौहान डायनेस्टी से पहले तोमर डायनेस्टी थी, ठीक है, तो उस डायनेस्टी की जो हेरिटेज है उसको कम से कम प्रोटेक्ट करने की सोची तो गई। कैग रिपोर्ट जो है उसने इंडियाज हेरिटेज पे बहुत सारी चीज़ें बताई है कि हमारे यहाँ पर म्यूज़ियम से लेकर के इतनी साइट्स हैं जिन पे बिल्कुल नज़र ही नहीं दी जाती है। डॉक्यूमेंट्स, ना तो उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, ना उनका प्रॉपर मेंटेनेंस हो रहा है, उन पे इस तरीके से मानो कि हाल ही ख़राब कर रखे हैं। इसीलिए तो बोला ना हिस्ट्री बाइट्स डस्ट, कि किस तरीके से धूल चाट रही है हमारी हिस्ट्री। तो ऐसे में पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में रिपोर्ट कैग की ऑलरेडी अवेलेबल है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे और मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इनके बीच में एक प्रॉपर कोलैबोरेशन जो होना चाहिए वो बिल्कुल मिसिंग है। 2007 के बाद में अभी तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या रिपोर्ट हुई नहीं है कि कहाँ पर हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं, म्यूजियम्स हैं जिनको मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर हम बात करें कैग की रिपोर्ट की, जिसने कम से कम ये बात हाईलाइट तो की है कि हमारे देश में हमें हमारी हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। कैग रिपोर्ट ने कहा कि सबसे पहली चीज़ तो हमारे यहाँ पर कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है जिससे कि हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स या एंटिकिटीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें। आर्कियोलॉजिकल साइट्स का मतलब आप जानते हो, पुरानी हेरिटेज साइट्स जो कि हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा कहीं ना कहीं डेवलप की गई थी और वो दब चुकी हैं या इग्नोर हो चुकी है, तो उनको ढूंढना।
दूसरी चीज होती है एंटिकिटीज, जैसे आप ये मूर्तियों के इनके नाम ढूंढते हो, नाम जानते हो। आज तक अगर देखी जाए ना, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से बताया जाता है कि लगभग 58 लाख से ज़्यादा हमारे यहाँ पर एंटिकिटीज़ है पूरे देश में, पर अभी तक ना तो कोई डेटाबेस है ना उनकी कोई लिस्टिंग मेंटेन की जा रही है। तो जब लिस्टिंग मेंटेन नहीं है तो कोई चोरी करके ले जाएगा, फिर दूसरे देशों में ले जा करके वो फिर मूर्तियाँ बेची जाएंगी ऑक्शन में, और फिर बाद में वहाँ की सरकार से आप लेकर के आओगे। सुनते हो ना कि यूएसए से ये लेकर के आए हैं, पोर्चुगल से ये मूर्ति मिली है, ऑस्ट्रेलिया से नटराज की मूर्ति लेकर के आए हैं, किसी चोर ने चोरी कर ली थी। अरे भाई, पहले मेंटेन कर लो आप इनका रिकॉर्ड प्रॉपर, पहले मेंटेन हो जाएगा तो चोरी नहीं होगी, राइट? वो चीज़ गड़बड़ है, मिसिंग है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो बजटरी एलोकेशन मिलता है वो रिड्यूस हो गया, जबकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने साफ साफ कहा कि टोटल बजट का कम से कम 5% तक एलोकेशन आप आर्कियोलॉजिकल साइट्स को मेंटेन करने के लिए दो, पर वही चीज़ है कि वहाँ पर दिया नहीं जा रहा है। कोई सिनर्जी नहीं है, हमारे यहाँ पर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स को मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके अलावा नेशनल कल्चरल फंड, इसके अलावा नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, ये अलग अलग बॉडीज़ हैं। इनका काम अल्टीमेटली है मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजी एंड एंटिकिटीज़ को प्रोटेक्ट करना, पर इनके बीच में कोई कोलैबोरेशन, कोई सिनर्जी देखने को नहीं मिलती है। नेशनल कल्चर फंड है, ये 1996 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसमें क्या किया था कि जो इंडिविजुअल्स हैं या कॉरपोरेट ग्रुप, प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि हाँ जी, इस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट का प्रोटेक्शन होना चाहिए, तो वो अपनी तरफ से फंड देंगे, पैसा देंगे, और वो फंड जाकर के नेशनल कल्चर फंड में डाल दिया जाएगा। पर सवाल यह है कि इस फंड में आए हुए पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है? आंसर है नो, केवल 14% तक ही फंड को यूटिलाइज किया जा पा रहा है, क्योंकि इधर नेशनल कल्चर फंड और दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन दोनों के बीच में प्रॉपर कोलैबोरेशन ही है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल साइट्स को आइडेंटिफाई करे, मॉन्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई करे, और उनके प्रोटेक्शन की जब पूरा प्लान बनाए, तब जाकर के नेशनल कल्चर फंड से पैसा निकाला जाए। पर वही चीज़ है कि जब प्लान ही नहीं है आपके पास में, जब आपके पास में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो कहां से पैसा यूटिलाइज होगा? फिर बात आती है नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, जो कि एक कानून के बेसिस पे एस्टैब्लिश बॉडी है, दैट्स व्हाई इट्स अ स्टैचुटरी बॉडी। इसका काम क्या है कि हेरिटेज लॉज, बाई लॉज, इनको प्रॉपर मैनर में मेंटेन करना, इम्प्लीमेंट करना, और जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रॉपर मैनर में मेंटेन करना। आज अगर देखा जाए तो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है ना, उनके नंबर से 3,693 मॉन्यूमेंट्स, पर सच बात यह है कि यहाँ पर फंडिंग एलोकेशन या जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के अंडर में प्रॉपर मेंटेनेंस होती देखें तो एक जगह तो 31 तो मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनकी फाइनलाइज हो चुकी है कि हाँ जी, इनका तो मेंटेनेंस हो गया, और 210 ऐसी हैं जो कि अलग अलग स्टेजेस पे चल रहे हैं। तो ये तो 3,693 में से कुछ ही नहीं है। इतने मॉन्यूमेंट्स को आपका पता है, आपको पता है, उसके बावजूद आप ध्यान नहीं दे रहे हो। साथ में बजटरी एलोकेशन रिड्यूस किया जा रहा है, साथ में जो एरिया मॉन्यूमेंट के आसपास में प्रोहिबिट किया जाता है कि यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं होगी, कोई कंस्ट्रक्शन काम नहीं होगा, वो एरिया लगातार रिड्यूस हो रहा है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ पर छोटा सा नहीं है, मेन है, बड़ा एग्जांपल है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो मेंटेन किए जाते हैं मॉन्यूमेंट्स, और उन मॉन्यूमेंट्स को मेंटेन करने के लिए एक एक्ट है जिसका नाम है मॉन्यूमेंट्स, जिसको बोलते हैं AMASR एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के अंडर में हुमायूं टॉम्ब है दिल्ली में, उसका कंजर्वेशन होना है, पर जब कैग ने इन्वेस्टिगेट किया, कैग रिपोर्ट में जब ये रिवील होता है तो पता पड़ा कि हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं के मकबरे के आसपास में जो प्रोहिबिटेड एरिया है, वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अलावा दूसरी ही एजेंसीज वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रही हैं, डेवलपमेंट का काम कर रही हैं। भाई एक चीज़ बताओ, ये काम तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है, अगर किसी मॉन्यूमेंट के पास में कोई भी बिल्डिंग, कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर करना है तो, या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद में वो काम हो, तो वहाँ पर तो इल्लीगल काम हो रहा है, तब भी कोई नहीं रोक रहा। फाइनली राइटर बोलना चाह रही हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्टेड एक और साइट है बुद्धिस्ट स्तूप, कहाँ पर? यहाँ पर देख दो, कर्नाटका के कनंगनहल्ली में। बोलो वहाँ पर आप देखो कि सारे कंस्ट्रक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सारी पड़ी है, पर वहाँ पर वो जो मटेरियल है वो सही से कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं किया जा रहा है, वहाँ पर उन पे घास फूस ये उग चुकी है, और अगर वो घास सूख गई और आग लग गई तो सब कुछ डैमेज हो जाएगा। CCTV कैमराज भी इंस्टॉल कर रखे हैं पर वो काम नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि हमारी हेरिटेज को जो इन्वेडर्स ने जितना प्रॉब्लम में डाला था ना, जितना डिस्ट्रॉय किया था, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम में तो
आज की सिस्टम कर रही है जो कि उनको मेंटेन करने में काम प्रॉपर नहीं कर रहा। तो ऐसे में हमें हमारे मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो हमारी हेरिटेज है, हमारे पूर्वजों के द्वारा दी हुई लेगेसी है, वो हम बिल्कुल भी मिस नहीं करें, ये हमारे लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तो डिस्कशन में यही चीज़ें थी। थैंक यू वेरी मच।